हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपका जो पेपर वन है उसमें आपके डीआई के क्वेश्चन यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके का पैटर्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, ये बताने वाले हैं हम आज की सीरीज़ में। तो साथ साथ सॉल्व भी करते जाइए डीआई के क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ में। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ द टीचर दिया हुआ है यानी शिक्षक का नाम ए बी सी डी ई, उसके द्वारा ली जाने वाली जो क्लासेस है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो उसने क्लास ली। जैसे ए जो टीचर है उसने वेडनेसडे जो है, अगर हम बात करें ट्यूसडे और मंडे को दो क्लासेस ली, थर्सडे और फ्राइडे को जीरो क्लासेस ली और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको जितना भी पैसा मिल रहा है वो बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कौन से दिन के हिसाब से कितना पैसा है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर संडे और सैटरडे का आपको नहीं दिख रहा होगा डाटा क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है, यानी आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, और इसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्ताह में एक शिक्षक के द्वारा, शिक्षक कौन है, ई द्वारा अर्जित कुल पारिश्रमिक कितना है। यानी ई ने, जो शिक्षक ई है उसने ओवर जो वीक है 1 वीक में कितना पैसा कमाया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है, निकालिए। इस क्वेश्चन का आंसर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ई ने जो एक हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं लेकिन 5 दिन की वर्किंग है, 2 दिन की छुट्टी है, तो 5 दिन में कितना पैसा कमाया ये आपको निकालना है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप डीआई के क्वेश्चन यूजीसी नेट में एग्जाम में भी सॉल्व कर लेंगे। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ई का पूछा गया है कि एक हफ्ते में उसने कितना पैसा कमाया। यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय द टीचर डेली, शिक्षक के द्वारा दैनिक कक्षा की संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। हम ई की बात कर रहे थे, ई का यहाँ पे एक डाटा है 3, एक डाटा है 1। क्या कहा इन्होंने, डेली बेसिस पे जो उसने क्लासेस ली, यानी 3 दिन का यहाँ पे शेड्यूल है, 2 दिन का यहाँ पे शेड्यूल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ई के बारे में बात करिए, कितने दिन है, 3 दिन, 3 दिन में कितनी क्लासेस ली है, 3, 3 × 3 कितना हो गया, 9, यानी उसने टोटल 9 क्लासेस ली। अब अगर हम बात करें 1, तो 2 दिन है, कितने दिन है, 2 दिन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी अगर हम बात करें तो फ्राइडे और सैटरडे उसने 2 क्लासेस ली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिलाकर उसने जो क्लासेस ली वो थी 9। अब इनको क्या करना है, 9 + 2 यानी टोटल उसकी क्लासेस हो गई 11। कितना उसको यहां पर पारिश्रमिक की बात करें, उसको कितना यहां पर पेमेंट मिल सकता है, तो कितनी है यहां पे, 3000 रुपए का यहां पे बोला है इन्होंने। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 11 × क्या कर देंगे, 3000 कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 33000। कितना आ जाएगा, 33000। यानी उसको यहां पर प्रति क्लास की बात हो रही है, यानी जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है जितना भी आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा पर क्लास के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पर आपकी टोटल क्लास होती 6, 6 के साथ में अगर हम बात करते कि 6 क्लासेस हैं तो कैसे निकालते, 6 × 3000 कर देते। ठीक है, चलो आप दूसरे क्वेश्चन को देखो, यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पूछा गया है कि एक सप्ताह में यानी वीकली शिक्षक बी ने, किसकी बात हो रही है, बी ने अगर 72,000 रुपीस कमाया, अगर 72,000 रुपीस कमाया
तो गुरुवार और शुक्रवार को उसने कितने घंटे की कक्षा ली? क्वेश्चन को देखिए। इन 1 वीक टीचर बी अर्न ₹72,000। हाउ मेनी आवर्स ऑफ क्लासेस डिड ही टेक ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे? एक सप्ताह में अगर उसको उसने ₹72,000 कमाया, तो गुरुवार और शुक्रवार को, बी की बात हो रही है, बी कहाँ है ये, कितनी क्लासेस ली अगर उसने ₹72,000 कमाया? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करिए। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, थर्सडे और फ्राइडे के बीच में यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते? इन्होंने कहा बी के बारे में, तो बी ने अगर हम बात करें, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तीन क्लासेस ली, 3 दिन तीन क्लासेस ली, तो 3 × 3 कितना हुआ? 9। यानी टोटल उसने कितनी क्लासेस ली? 9। और उसका जो यहाँ पर जो फीस, जितनी सैलरी कितनी बन रही थी, 8,000। तो कितनी क्लासेस के अकॉर्डिंग कितना पे मिलेगा उसको? 9 क्लासेस ली, एक क्लास का ₹8,000 है, ये समझो। एक क्लास का रुपया है 5,000, एक क्लास का रुपया है 8,000। तो जितनी भी क्लासेस यहाँ पे आप काउंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो 72,000 यहाँ पे निकल आया, क्योंकि यहाँ ब्लैंक है। तो ऑलरेडी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसने कोई क्लास यहाँ नहीं ली। शुक्रवार और गुरुवार को 0 घंटे की कक्षा हुई, यानी ऑलरेडी उसने 3 दिन में 3 लेक्चर लिए, तो 3 × 3 कर दिया, कितना हो गया? 9। एक लेक्चर का ₹8,000 मिलता है, तो 9 लेक्चर का कितना मिलेगा? ₹72,000। और आपका यही आंसर होगा, 0 कक्षा ली उसने थर्सडे एंड फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षक ए और शिक्षक डी के द्वारा, ए और डी के द्वारा कुल साप्ताहिक अर्जित आय का अनुपात कितना है? थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, क्वेश्चन को देखिए। रेशियो पूछा गया है टोटल वीकली अर्निंग ऑफ टीचर ए टू टोटल वीकली अर्निंग ऑफ टीचर डी। ए ने जितना कमाया, डी ने जितना कमाया, उसका अनुपात पूछा गया है। देखिए यहां कितना आएगा, निकालिए जल्दी से। ए और डी, ए और डी, टोटल पहले हमने निकाला ए का, 2 क्लासेस ली। यहां पर अगर हम बात करें, डी ने 2 लेक्चर लिए, अगर हम बात करें 3ों दिन, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को भी डी ने लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। शिक्षक ए के द्वारा कितने? 2 लेक्चर 3ों दिन लिए गए, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो क्या कर देंगे? 2 × 3 कर देंगे। कितने दिन है? 3 दिन। 2 × क्या करेंगे? 3, मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना होगा? 6। पर लेक्चर कितना पैसा मिल रहा है? 5,000। तो 6 करेंगे क्या? मल्टीप्लाई बाई 6 × 5। 2 × 3 कितना हुआ? 6। 6 × 5,000 करेंगे, यानी 30,000। ऐसे ही जब डी का निकालेंगे, डी का निकाला, 2 लेक्चर लिए उसने पर डे के हिसाब से, तो 3 दिन है यहाँ पे, × 3 कर दिया। 3 दिन है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और 2 दिन यहाँ है, तो 2 × 2 कर देंगे, कितना हो गया? 4। ये कितना हुआ? 6। 2 × 2 करेंगे 4, इनको क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, कितना हुआ? 10। अब उस समय का अगर डी का ₹4,000 उसको मिल रहा है लेक्चर का, पर लेक्चर उसको ₹4,000 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10 क्लासेस ली हैं, तो 10 × क्या करेंगे? 4,000 निकलेगा, 40,000।
क्या निकलेगा 40,000, एक एक्स्ट्रा जीरो लगा, इसको हटा दीजिए। अब अनुपात निकालना है तो 30,000 अपॉन 40,000 निकलेगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। केवल अगर हम सोमवार की बात करें, कक्षा लेने के बदले सभी शिक्षकों को जो वेतन की संदायगी करने के लिए शिक्षण संस्थान द्वारा व्यय कुल धनराशि कितनी है? द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द टीचिंग इंस्टीट्यूट फॉर पेइंग रिम्यूनरेशन टू ऑल द टीचर फॉर टेकिंग क्लासेस ऑन मंडे ओनली। यहां पर आपसे सिर्फ मंडे की बात करी गई है। क्या आंसर होगा? मंडे को अगर हम सबका वेतन काउंट करें, यानी सभी का, मंडे का, ए बी सी डी ई, क्या होगा टोटल करके बताओ जरा। जल्दी से टोटल करिए, सोमवार की बात हो रही है सिर्फ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो बेटा इसका आंसर। अगर हम बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर, इन्होंने ये तो बताया नहीं है कि कितने लेक्चर, इन्होंने कहा पर लेक्चर यहां पर, यानी दो ही सोमवार को होंगे, तीन यहां पे कितने दिन है, तीन, यानी सोमवार को उसने दो लिए, मंगलवार को भी दो लिए और बुधवार को भी दो लिए, तभी तो 6 हुआ। तो यहां पे हमने क्या करना है, 2 × 5,000, यानी दो लेक्चर लिए हैं तो 5,000, तीन लेक्चर लिए हैं तो 8,000, 8,000 का मतलब 24,000, एक लेक्चर लिया है, एक लेक्चर का पैसा है 6,000। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ये तो किया नहीं है, पहले वाले में हमने क्या देखा था, 3, यानी कि अगर हम दो लेक्चर ले रहे हैं, यानी तीनों दिन अगर हम लेक्चर ले रहे हैं तो हमारे 6 हो जाते लेक्चर, लेकिन इन्होंने सिर्फ सोमवार की बात करी इसलिए हमने सिंगल काउंट किया। अब यहाँ पे 8,000, 9,000 सेम ऐसे ही, अब कितना हो जाएगा, 10,000, तीन लेक्चर लिए ना, तो सोमवार को तीन लेक्चर लिए, 3,000 रुपीज उसको मिला तीन लेक्चर का, कितना हो गया टोटल, 10,000, 24,000, 6,000, 8,000, 9,000, टोटल मिला के हुआ 57,000, यानी 57,000। ध्यान से देखिए, हमने तीनों का नहीं निकालना है, यहां पे हमें सिर्फ सोमवार का निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए एक महीने में 4 सप्ताह हैं, यानी एक मंथ में 4 वीक है, और एक माह में शिक्षक डी की अर्जित आय कितनी होगी? अब डी के बारे में बात कर रहे हैं, डाटा निकालिए जल्दी से, मैं जूम कर देती हूँ उसको। डी की एक महीने की कितनी आय है वो पूछा इन्होंने, चलिए निकालिए जल्दी से। डी की एक महीने की, यहाँ एक हफ्ते की बात हो रही है, तो एक महीने की अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, समझते हुए चलो। एक शिक्षक है डी, हमने डी को डालिया, एक सप्ताह में अर्जित कुल आय 2 × कितने दिन, 3 दिन, 2 × 3 = 6, यहां पे दो लेक्चर लिए, 2 दिन में 4, टोटल कितना हुआ 10, 4,000, 40,000 ये निकाला था अभी हम लोगों ने। अब एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह, नॉर्मली 4 सप्ताह होते हैं, तो क्या किया हमने, 4 को मल्टीप्लाई किया 40,000 से, तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपये। देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए, कि आपके यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1,60,000 रुपया होगा, एक महीने में 4 सप्ताह यानी 4 वीक्स हुए, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 40,000 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बदल गया यहाँ पे, यहाँ पे
KLMN, चार जोन दिए हैं, KLMN। 2014 से 19 तक का डाटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी 6 वर्षों में मिलाकर, 6 वर्ष कौन से हैं, 14 से 19, जोन के कौन सा है, ये परीक्षा में शामिल, ए फॉर अपियरिंग यानी कि जो शामिल हो रहे, पी फॉर पास, विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिर्फ के में इन्होंने पूछा है, मैं जूम कर देती हूँ जिससे तुम लोग सॉल्व कर पाओ। के में जितने अपियर हैं और जितने भी पास्ड आउट हैं, दोनों को आपस में माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा। जल्दी से टोटल करो क्योंकि इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए जल्दी बताइए, टोटल करिए, 782, 804, 727, 5824, 850। अब यहां पर आपको जोड़ना है, ए को जोड़ लीजिए, पी को जोड़ लीजिए और आपस में क्या करना है, माइनस करना है। देखो कैसे, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2090। यानी हम अपीयरिंग की बात करें तो 4730, अगर हम पास्ट की बात करें तो 2640 बच्चों ने पास किया। हमें सिर्फ यहाँ पे पूछा गया था दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो आपस में दोनों को माइनस कर दिया और आंसर आ गया 2090। यानी कि ये बच्चे बैठे, 4730 बैठे, जिसमें से 2640 पास हुए और फेल कितने हुए, 2090। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, 2015 में, 2015 में सभी चार जोन कौन थे, KLMN में उत्तीर्ण हुए। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूरी चीज नहीं पढ़ते हैं। उत्तीर्ण हुए यानी जो पास हुए, विद्यार्थियों की औसत संख्या, पास कौन से हुए हैं, पी, पी फॉर पास, इनको जोड़ लीजिए और चार जोन दिया है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जूम कर देती हूं डेटा, जल्दी से आंसर बताएं। 2015 में चारों जोन में, KLMN में जितने भी बच्चे पास हुए, जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो जोड़िए, वो जोड़िए और फिर आंसर बताइए। जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड करिए क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, एवरेज। यानी 472, 324, 480 और 840। पूछा है औसत संख्या। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2015 में सभी चार जोन, क्या बोला था, 472 को टोटल करो, 324 को करो, 480 जो पास है और 840, इसको जोड़ लोगे कितना बनेगा, 2116। जोन कितने हैं, KLMN कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा 529, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, 2019 में किस जोन में, 2019 सबसे लास्ट में किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में, जितने भी लोग अपियर हुए हैं उनकी तुलना में जितने भी लोग पास हुए हैं उनकी प्रतिशतता न्यूनतम है, उनकी प्रतिशतता न्यूनतम है। यानी कौन सा ऐसा जोन है जहां पर फेल हुए हैं ज्यादा बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, किसमें जो पास होने वाले बच्चे हैं उनका परसेंटेज सबसे कम है, निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन देता है।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा सीधा आंसर पे आएंगे। 2019 कितनी बात हुई है, 850 टोटल बच्चे हैं जिसमें से 496 पास हुए, क्योंकि इन्होंने प्रतिशत में पूछा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 100 में। तो पहले का प्रतिशत जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो है 58, दूसरे कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं 52, एम में उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं 62, एन में जो पास आउट हुए हैं वो है 66। लेकिन इन्होंने बोला सबसे कम मिनिमम, तो सबसे मिनिमम कौन सा है यहाँ पे 52.5, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एल। एल जोन ऐसा है जहां पर 2019 में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनमें से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि 2017 में जोन के में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम जोन के इन द ईयर 2017 टू 2018, यानी 17 और 18, यानी कितना है यहाँ पर इन्होंने पूछा अनुपात। तो 17 में के में जो पास हुए कितने थे, 360, और 2018 में कितने पास हुए, 504। अब अगर इनका रेशियो पूछा जाएगा तो कितना रेशियो होगा 360 और 504 का, रेशियो बताइए जल्दी से। कितना होगा रेशियो, कैसे निकालते हैं इसका रेशियो, कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 360 जो पास हुए हैं, 360 और 504, 360 504 आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं सेम डिजिट से, या तो आप तीन से देखिए, तीन में यहाँ पे लास्ट में जीरो नहीं आएगा, पांच से डिवाइड करके देखिए, जिससे भी आप डिवाइड करें याद रखिए वो सेम डिजिट होनी चाहिए, सेम डिजिट से पूरी पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। दो से करके देख सकते हैं पहले, दो से करके कैसे, दो से डिवाइड करिए 360 को, दो से डिवाइड करिए 504 को, कितना निकलेगा 5/7। ठीक है, दो से डिवाइड करके देखो, फिर जो दोनों, फिर जो डिजिट आएंगे उनको फिर से डिवाइड करके देखो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, चलो भाई हो गए क्वेश्चन नंबर 9 तक। आई होप आप लोगों को डीआई के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो और अगर आप चाहते हो कि और इस तरीके की क्लासेस मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, कमेंट में जो है यस टाइप करिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा।